Hello student, welcome to Technical Math PBN channel, and in this video we will do these questions 1, question number 2 by Dimas rule. First of all, what is Dimas? D-M-A-S. D for division, M for multiply, A for addition and S for subtraction. हमने इस फार्मूला को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो इक्वल टू का साइन लगाएं. माइनस 55 प्लस माइनस 10 इंटू माइनस 10, मैंने सेम वैल्यू लिख ली. माइनस 55, ये देखिए ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई माइनस, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये शो कर रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस, देन ये वाला 10 माइनस ये वाला. क्लियर? अब 10 माइनस माइनस 10 माइनस 55, इन सबको ही हम मिला लेते हैं. 0 0 0 5 1 1 2 2 और 5 7, माइनस की वैल्यूज़ हैं, तो ये सब क्या आ जाएगा? माइनस माइनस 75 इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा माइनस 75. तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, इसको भी डिमास से करेंगे. देखिए लाइन लगा लेते हैं, इक्वल टू साइन लगाया. 24 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय माइनस 6. ये देखिए जी, यहाँ से हम करेंगे 24 मल्टीप्लाई माइनस 2. देखिए माइनस और ये है 24 प्लस का, जब प्लस वाली माइनस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है तो साइन क्या आता है? माइनस. 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए 48. ठीक है, ये आ गया हमारे पास. ब्रैकेट लगा दो, मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय माइनस 6. डिमास का रूल हम यूज़ करते हुए कर रहे हैं. देखें जी, यहाँ पर आप देख लें, डिमास में क्या आता था? पहले डिवीजन, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता था? मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन. यहाँ पर देखें, माइनस 48 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 5 से. फिर उसके बाद ये डिवाइड की वैल्यू है, तो 5 को 48 से मल्टीप्लाई करें. 5 एट ज़ार 40, 4 कैरी, 5 फोर ज़ार 20 प्लस 4 24, और ये आ जाएगा माइनस का. क्लियर? ये ब्रैकेट लगा दें, यहाँ पे डिवीजन साइन लगा दें, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस 6. जब ये माइनस 6 आएगा तो अब आपने क्या करना है? इग्नोर कर दें ये माइनस, और ये भी माइनस इग्नोर कर दें. ठीक है, यहाँ दूसरे शब्दों में मैं ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 240. इस साइन को हम चेंज करें, अगर ये डिवीजन साइन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 1/-6 आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये जो चेंज होगा तो इसके नीचे 1 होता है वो चेंज हो जाएगा. अब सिंपल सा वे है, माइनस और माइनस खुद ब खुद कर जाएंगे. 240 को डिवाइड कर दें 6 पे, 6 फोर ज़ार 24. क्लियर? ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, और ये जो जीरो है इसके साथ आ जाएगा. तो गाइज आंसर आ जाएगा यहाँ पे 40. इस क्वेश्चन का आंसर आया 40, इस क्वेश्चन का आंसर आया माइनस 75. और ये था, हमें आसान सिंपल सा हमने इसको सॉल्व करना था. अगर प्रॉब्लम हो तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.